सो गाइस ये है मैं हूँ खलनायक। नहीं नहीं गाइस ये है इन्फिनिक्स नोट 12। बवाल चीज है वे। तो यार काफ़ी धमाकेदार फ़ोन है और अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो क्या यार ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, ये सब आपको पता चलने वाला है। इसके क्या स्पेसिफिकेशंस है, कैमरा क्वालिटी, सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो चलो भाई बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है इन्फिनिक्स नोट 12 का बॉक्स। तो यार मैं क्या बोलूँ, सही लग रहा है यार, मतलब क्या ही बोलूँ यार, मुझे तो यार काफ़ी सही लग रहा है बॉक्स। और इसका यार ये जो बीच में सर्कल है ये रेड और येलो का, ये यार मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इसलिए मुझे यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और भाई ये ऐसा ही बॉक्स है, जब आप इसे और भी ज़्यादा अच्छे से ओपन करते हो तो आपको अंदर में ये इस फ़ोन का असली वाला बॉक्स दिखता है। ये तो इन्होंने मार्वल के साथ कोलेब्रेशन करके रखा है इसलिए ऊपर से ये वाला बॉक्स था, बट फ़ोन का रियल ये वाला रियल वाला बॉक्स ये है। तो चलो भाई फटाक से फ़ोन वगैरह निकालते हैं, देखते हैं क्या क्या इसके अंदर है। सबसे पहले यार हम लोग फ़ोन को साइड में रखते हैं, देखते हैं अंदर में और क्या क्या चीज़ है। तो यार यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले यार केबल दिया गया है, ये मैंने पहले ही यार खोल दिया था इसीलिए यार ऐसा लग रहा है। तो कोई ना यार ये ऐसा केबल है और अंदर में देख सकते हो ऑरेंज टाइप का दिया गया है और ये वही टाइप सी केबल है। एंड और ये एक चार्जर है, 33 वॉट का फास्ट चार्जर है जो कि यार आपके बैटरी को एक से डेढ़ घंटे में चार्ज कर देगा फुल 100%। ओबे इसके अंदर ये क्या है, ये तो मार्वल का स्टिकर है। चलो भाई हम लोगों को इस स्टिकर को अपने कवर में यूज करना है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपका कवर। और ये क्या भेज दिया इन्फिनिक्स ने बॉक्स में, आई थिंक ये वेलकम कार्ड है। तो यार काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, वेलकम कार्ड है। और ये रहे ग्रंथ और महाग्रंथ जिसे पढ़कर आप विद्वान बन सकते हो। अरे यार मजाक कर रहा हूँ। और यार ये रहा कवर और ये ब्लैक कलर का कवर है और ये जो स्टिकर है आप इसी में लगाकर यार और भी ज़्यादा इसे खूबसूरत कर सकते हो, ब्यूटीफुल कर सकते हो, समझ रहे हो ना। ये रहा रैपर में सिम इजेक्टर टूल और ये 3 सिम स्लॉट और फाइनली हमारा ये ब्लैक कलर का शाइनी फ़ोन। इसमें आपको ब्लू कलर भी किसी किसी एंगल से दिखता है, यानी कि यार ये काफ़ी शाइन करता है फ़ोन अलग अलग एंगल से। मुझे इस फ़ोन का लुक अच्छा लगा। और राइट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर और नीचे में 3.5 mm का जैक और USB टाइप सी और साइड में स्पीकर दिया गया है। और ये जो कवर है, चलो भाई इसे भी लगा कर ट्रैक कर लेते हैं फिट आता है कि नहीं। चलो भाई हाँ यार फिट है तो अच्छा लग रहा है, आप इसमें स्टिकर लगा लेना यार, अभी मैं नहीं लगाऊंगा। सो गाइस इसमें आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। और गाइस इसका कैमरा जो है कि 50 MP का प्राइमरी कैमरा है और इसमें आपको 2 MP का एक डेप्थ लेंस मिलता है और एक AI लेंस है, यानी कि ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है। अब यार मैं इससे मैंने कुछ फोटोज़ वगैरह क्लिक करी है तो वो आप पहले देख लो। एंड इसमें भाई 0.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दे रखा है जो कि यार बहुत बढ़िया बात है, एमोलेड डिस्प्ले दे रखा है। और यार अब मैं ये बता दूं इसमें कौन सा चिपसेट लगा है, यानी कि कौन सा प्रोसेसर है। तो इसमें यार मीडियाटेक हीलियो G88 का प्रोसेसर लगा है जो कि यार आप गेमिंग अच्छे से कर सकते हो। और इसमें आपको एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट मिल जाता है और कंपनी ने ये भी दावा किया है कि कुछ दिनों के बाद इसमें एंड्रॉयड 12 का भी अपडेट आ जाएगा। तो यार यही था अनबॉक्सिंग, बताओ यार आप लोगों को ये फ़ोन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। तो चलो यार मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों को कैसा ये फ़ोन लगा आप कमेंट बॉक्स में बताओ। तो यार और कुछ नहीं था बस, चलो यार एंड करते हैं वीडियो को।